हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने हुआ चैनल पे। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि हर रोज नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये थोड़ी थोड़ी बची हुई कतरन ली है जिससे हम पायदान बनाएंगे, जिसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो देखो, कोई भी हमारे पास में कतरन है तो उसको हमें इस तरीके से ऐसे सर्कल के अंदर कट करना है। देखो, आपके पास में ज़्यादा कतरन है तो आप ऐसे फोल्ड करके कट कर सकते हो। अगर आपके पास में कम है तो आप एक बार में ऐसे राउंड शेप में, देखना इस तरीके से राउंड करके आपको कटिंग करनी है। देखो, ये मैंने कटोरी ली है, इससे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये निशान लगा लिया है, अब हम कैंची से इनको काट लेंगे। अगर आपके पास में कम कपड़ा है तो मैंने फोल्ड करके रखा है, वहाँ पे आप सिंगल कपड़ा रख के फिर ऐसे निशान लगा के और फिर ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसको काटना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास में भी ऐसे थोड़ी थोड़ी बची कतरन है तो आप उसको ऐसे रियूज लेके सुंदर सा डोरमेट बना सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से काट लिया है तो इनके ये सर्कल के अंदर पीस चार हो गए। इसी तरीके से हमें ये जो बाकी कतरन है इनको भी हमें ऐसे ही काट के चार करना है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने सबको ऐसे पीस काट काट के रख लिए हैं, सबको सर्कल के अंदर काट लिया है। अब हम इसे सुंदर सा डोरमैट बनाएंगे। इसके लिए हमें एक प्लास्टिक का थैला चाहिए, वो भी मैंने सर्कल के अंदर काटा है। अब देखो, इसके ऊपर हमें पायदान बनाना है। तो ये हम ऐसे कतरन को लेंगे, ऐसे हमें एक बार फोल्ड करना है। जो हमने सर्कल के अंदर पीस कट किए हैं उनको देखो इस तरीके से एक बार फोल्ड करके, तो ऐसे हमें बिल्कुल इसके पास में रखते हुए हमें कॉर्नर के ऊपर एक सिलाई लगानी है। हर बार ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और कॉर्नर के ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको लास्ट तक बताऊंगी किस तरीके से हमें इसके राउंड लेते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है और इसके ऊपर जो सर्कल वाली कतरन है उनको हमें किस तरीके से अटैच करना है। तब तक आप वीडियो को पूरा देखिए। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से हम हर बार एक बार हमें फोल्ड करनी है, फोल्ड करते हुए हमें ऐसी सिलाई करनी है। फोल्ड हमें ऐसे नहीं करनी है कि कहीं से हमने फोल्ड कर लिया, बिल्कुल बीच के अंदर से हमने फोल्ड कतरन को करना है, दोनों साइड में एक जैसी कतरन बचे। इसी तरीके से हम फोल्ड करते हुए सिलाई करते हुए एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हमें सेकेंड राउंड कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखो, इस तरीके से हम सेकेंड राउंड लेंगे, ऐसे ही हम कतरन को फोल्ड करेंगे और अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। जस्ट हमने पहले सिलाई की है उसी को कवर करते हुए, उसको हमें कवर करना है, फिर हमें सिलना है। तो ये देखो, ऐसे सिलेंगे हम इसको, इस तरीके से फोल्ड करेंगे कतरन को और यहाँ पे सिलाई करेंगे। जो हमने नीचे वाली पहले कतरन रखी है उसको दबाते हुए, उसको हमें ऐसे नहीं है कि उसको छोड़ना, उसको भी साथ में लेते हुए हमें उसको सिलाई करना है। पायदान पसंद है तो उसी तरीके का भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि बनाना सिखाऊं। तो ये देखो, मैंने इसके ये काफ़ी राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें बाकी को भी कंप्लीट करके तैयार करना है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने पूरे को कंप्लीट कर दिया है सिलते हुए, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। देखो पूरा बनाने के बाद में और कितना गुदगुदाया है।
इसके साथ ही हमारा डोरमैट बनके तैयार हो गया है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।